आज हम सुन रहे हैं क्रिस की जिंदगी के कुछ पन्ने। क्रिस हर रोज और कुछ करे या ना करे, मुंबई जैसे शहर में घर लेने के लिए अपने पेरेंट्स को मेंटली थैंक्स जरूर करता था। नवी मुंबई में 2 BHK था, पर खुद का था। क्रिस एक वेब डिजाइनर था और उसका ऑफिस चेंबूर में था, और मुंबई जैसे शहर में इस 30 मिनट के डिस्टेंस को रोज ट्रैवल करना ही ड्रीम लाइफ कहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, क्रिस के पड़ोसी भी बड़े कूल हैं, मयंक और अन्विता, जिनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे। दोनों बहुत चिल्ड आउट थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मयंक क्रिस की तरह एक बहुत बड़ा फुटबॉल फैन था। हाय क्रिस। हाय मयंक, आज शाम को फ्री है ना? अरे हाँ, ऑफ कोर्स यार, आई विल नॉट मिस अ चेल्सी मैच यार। कूल, सो 8:30 माय प्लेस, ओके? तुम और अन्विता दोनों आना, डिनर भी मेरे घर पे ही है। इस कॉल के बाद मयंक ने प्लान कंफर्म करने अन्विता को कॉल किया और बहुत डांट खाई। फिर प्लान चेंज करने के लिए मयंक ने क्रिस को कॉल किया। हेलो। अरे यार क्रिस, सुनना यार। हाँ बोला। मैं भूल गया था कि आज मेरी छोटी बहन आने वाली है। ओके। एंड आई थिंक आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, तू फैमिली को अटेंड कर ले, मैं चेल्सी को सपोर्ट कर लेता हूँ। यार एक काम करूँ ना। क्या? तुम मेरे घर आ जाओ, मेरी बहन से भी मिल लो और हम मैच भी देख लेंगे शाम को। मयंक। हाय क्रिस। हे। अच्छा, मीट माय सिस्टर डॉली। हाय डॉली। हाय। व्हाट डू यू डू? मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, बेस्ड इन बैंगलोर। नाइस। अभी दो प्रोजेक्ट के बीच में ब्रेक लिया, तो सोचा कि भैया और भाभी को विजिट कर लूं। दैट्स ग्रेट। उस शाम क्रिस का मन मैच में बिल्कुल नहीं था, उसका सारा ध्यान डॉली की तरफ था। वो कैसे बात करती थी, कैसे हंसती थी, कैसे खाती थी, सारी चीजें क्रिस नोटिस कर रहा था। हेलो। हाय क्रिस। हाँ मयंक, बोलो क्या प्लान है आज शाम का? यार ये दोनों लड़कियां मुझे जब हैरी मेट सेजल दिखाना चाहती हैं। सही है, मैं तो डिनर का प्लान सजेस्ट करने वाला था, बट आई गेस नहीं हो पाएगा। ओह वेट, प्लान कैंसिल करने से बेटर है तुम भी चलो हमारे साथ, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ ना करते करते क्रिस भी डिनर और मूवी के लिए मान ही जाता है। सारी शाम चारों ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। मूवी से लौटते वक्त Now it's time to go home. पर भैया मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है घर जाने का। Let's go on a drive ना। अरे तू पागल हो गई है क्या? डिनर भी कर लिया, मूवी भी देख ली, अब क्या इतनी रात गए मैं तुझे मुंबई दर्शन पे ले चलूं? Yeah, why not? क्या? Anyways, I'm leaving tomorrow. वैसे भी आप हमेशा कहते हो ना कि मुंबई कभी सोती नहीं। So now, prove it. अन्विता तुम्हें चलना है? अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए हम सारी रात सड़कों पे तो नहीं घूम सकते ना भाई। होल्ड ऑन गाइज, लिसन, मुंबई का प्राउड सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस थ्योरी को सही प्रूफ करूं। मयंक, मैं डॉली को कॉफी पे ले जा सकता हूं? डॉली बैंगलोर जाने से पहले अपनी ट्रिप पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहती थी, तो कॉफी का प्लान सुनकर वो बहुत खुश हो गई। ये रही तुम्हारी आइस्ड कॉफी एंड चोको चिप मफिन। थैंक यू सो मच, यू रियली आर अ स्वीटहार्ट। यू नो व्हाट, यू हैव वेरी प्रिटी आइज, बहुत एक्सप्रेसिव हैं तुम्हारी आंखें। सो कैन यू रीड देम टू? मैं बता सकता हूँ क्या कह रही हैं वो। आई डोंट वांट टू नो। बातें करते करते टाइम कैसे निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। मैडम अब तो सुबह के 3 बज गए हैं, अब घर चलें? मन तो नहीं है, पर तुम कहते हो तो चलते हैं। चलो। हाँ तो मेरी और कौन कौन सी बातें मानोगी? सिर्फ कॉफी पिला के इस क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग जवाब तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, राइट? कुछ और पिलाया होता तो शायद। बट आई डोंट टेक एडवांटेज ऑफ ड्रंक वुमन। क्रिस, जहां दोनों का फायदा हो उसे एडवांटेज लेना नहीं कहते। रियली? गाड़ी में सुबह 3:00 तक बज गए। सुबह जब क्रिस डॉली को घर ड्रॉप करने जाता है तब तुम्हारा घर आ गया। लिसन डॉली, यार अब तो हमें नंबर एक्सचेंज कर ही लेने चाहिए। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ बैंगलोर में मेरा कॉन्फ्रेंस भी है, तो आई कैन
एक्सटेंड माय स्टे और हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर लेंगे। हेलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? क्यों? बिकॉज माय हस्बैंड वोंट अप्रूव इट। क्रिस को काफी देर तक समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, और जब तक वो कुछ सोच पाता, डॉली कार से उतर के घर में जा चुकी थी। चलिए बात करते हैं क्रिस से, टू फाइंड आउट कि आगे आखिर हुआ क्या। हाय रिचा। हाय क्रिस, हाउ यू डूइंग, आर यू ओके? हाँ यार, आई एम फाइन। एक्चुअली दो बातें बताना है। पहले तो आई एम थैंकफुल टू डॉली कि उसने मुझे ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाया। या दैट्स ट्रू। और दूसरी बात, एक्चुअली एक सवाल है, डॉली काफी नए नए लोगों से मिलती होगी, काम के लिए ट्रैवल करती होगी, तो क्या ऐसे वन नाइट स्टैंड की आदत है? क्या ये बात मुझे मयंक को बता देनी चाहिए? आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्रिस अपने सवाल का जवाब आपसे ढूंढ रहे हैं। शायद उनके मन में ये बात चल रही है कि डॉली किसी तरह के डिसऑर्डर की शिकार तो नहीं, मे बी डॉली को हेल्प की जरूरत हो, या फिर क्रिस अपने ही तरीके से बदला चाहता हो। इन एनी केस, क्या क्रिस को डॉली के बारे में ये बात डॉली के ब्रदर मयंक को बतानी चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या क्रिस को डॉली की फैमिली को सब कुछ बता देना चाहिए? और अगर आपकी भी कोई प्राइवेट डिटेल्स हैं तो मुझे फेसबुक पे मैसेज करके बता सकते हैं, आरजे रिचा, आरजे RHICHA, क्योंकि रेडियो पे कोई आपको देख नहीं सकता, आपकी डिटेल्स रहती हैं प्राइवेट। मैं हूं रिचा आपके साथ हर रात ऑन रेट्रो 106.4।